किचन के लिए तो रोज नए प्रोडक्ट्स आते हैं, इसलिए आज मैं ट्राई करके बताऊंगी कौन से रियल है और कौन से फेक। फर्स्ट टू प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी लगी, बट फिर हम गए एडवांस लेवल पे विद दिस नूडल मेकर। ए अंदर जाके चिपका चिपकी नहीं, आई एम हैविंग फन। और ये मोमो मेकर जिसमें सिर्फ मोमो की कवरिंग फिलिंग डालनी होती है और प्रेस करते से एक तैयार मोमो निकलेगा। एंड फॉर अ मोमो एडिक्ट लाइक मी, घर पे अनलिमिटेड मोमोज मिलने से बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट डिड इट रियली वर्क? जानने के लिए वॉच द फुल YouTube वीडियो। बढ़ेगा बढ़ेगा। कुछ याद आ रहा है किचन देख के, वी यूज्ड टू डू सो मेनी एपिसोड्स ऑफ टेस्टिंग वियर्ड किचन प्रोडक्ट्स एंड नाउ वी आर बैक। हाय, वेलकम टू अस फाइंडिंग द सबसे अजीब आइटम्स ऑन द इंटरनेट एंड बाइंग देम एंड ट्राइंग देम सो दैट यू डोंट हैव टू। प्रॉमिस तो इतने बड़े बड़े करते हैं ये लोग की लाइफ तो बहुत ही सिंपल हो जाएगी ये लाने के बाद। So let's see if any of these are a pass or if all of them are a fail. Let's begin. Are you a Nagarpani person too? Because this is how ye ghar pe deliver hota hai and breaking this open is definitely bilkul bhi not easy. Without giving any more tele shopping vibes, ye hai ek Nagarpani opener. Dekhne mein na ye bahut hi aisa wo kya ho? खंजर, यस खंजर जैसा लग रहा है। बट यू आर सपोज टू डिग दिस इन द नारियल एंड स्कूप इट एंड रिमूव इट एंड अपेरेंटली बहुत इजी होना चाहिए। सो कीपिंग दिस अवे फ्रॉम आवर फेस, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। डिस्क्लेमर, इफ यू आर अंडर 18 डू नॉट डू दिस विदाउट एडल्ट सुपरविजन एंड इवन इफ यू आर एन एडल्ट प्लीज यूज दिस वेरी वेरी केयरफुली, डोंट ट्राई दिस अलोन एट होम। ओके 3, 2, 1। तो बेसिकली इसको क्या करना था कि इसके साथ ही बाहर निकालना था बट वो नहीं निकला, अब वो अंदर ही घुस चुका है। निकल जा यार, निकल जा। नहीं, इट्स गोना फ्लोट इनसाइड नाउ। वूहू, दिस इज परफेक्टली सो स्ट्रॉन्ग उसने जितना, मुझे तो मजा आ रहा है करते हुए। To be honest, these two things looks very weird, but if you are a regular Nagar Pani drinker, this 100% works and this is a pass, you can get it. अभी ठंडा ठंडा नारियल पानी enjoy करते हैं क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था सुबह से। Let me get a straw. मज़े लायक कि तू पहले वो बंद कर जहाँ से straw निकाली है। मैंने इतना ठंडा नारियल पानी कभी नहीं पिया। This is a secret hack. नारियल पानी सुबह ऑर्डर करो, फ्रिज में रख दो और फिर दोपहर को 2-3 बजे से पियो। यू आर गोइंग टू लव दिस मोर देन एनी कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो। अभी नारियल पानी पीने के बाद मुझे ट्राई कर रहे हैं मलाई। आई थिंक गाइस ये ली प्रैक्टिस कर रहे कि हाउ डू शी यूजेस डेली। आई रिमेम्बर सालों पहले जब हम घर पे लाते थे, मम्मी चाकू से स्ट्रगल करती थी टू ओपन, है ना? कभी ऊपर का एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो टूटता नहीं था, तो कभी लाइक चाकू, कभी स्क्रू ड्राइवर ऊपर हैमर से नॉक कर करके। यस, तो अभी अच्छा है कि ऐसे निकल टूल्स आ गए, बहुत इजी हो जाता है। उसी बात पे थोड़ी मलाई हो जाए बिकॉज नाउ वी हैव अ बिग इनफ ओपनिंग विथ हर मेसी प्लेटफॉर्म। मैं डिजर्ट स्पून लेने गई थी सो दैट जो मैंने अंदर छोड़ दिए थे ना ये दो पीसेस, पहले वो निकाल दो। ओ यम्मर्स, ठंडा मलाई। सो माय वेरी क्लोज रिलेटिव बबी मासी, मतलब दादी एल्डर योर सिस्टर, शी चॉप्स ड्राई फ्रूट्स लाइक अमेजिंगली वेल। इतनी पतली पतली स्लाइसेस करते हैं वो, आई डोंट हैव द पेशेंस फॉर दैट बट आई लव द टेक्सचर ऑफ आलमंड्स, लाइक आलमंड फ्लेक्स। ओह, पैनकेक्स तो बहुत अच्छी लगती है। तो हमने ढूंढा है ये चॉपर जो बहुत ही छोटा सा है, बट दिस इज सपोज टू डू दैट फॉर आर ड्राई फ्रूट्स। आई डोंट नो, ये प्लास्टिक ही फील दे रहा है। हाउ इज इट सपोज टू वर्क? ऐसे वो, ये पेपर ग्राइंडर जैसा है। ऑलराइटी, वी हैव सम बादाम राइट हियर एंड इफ दिस वर्क्स तो हमें पैनकेक बना के खाने चाहिए। कितनी डाले एक साथ? आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद ओनली अ फ्यू। फ्यू से थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी ये और ये मैच करेंगे। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मतलब ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, जोर नहीं लगाना पड़ रहा है टू यूज दिस, बट ये थोड़ा मेसी हो रहा है। मतलब इतनी बड़ी क्वार्टर
प्लेट रखने के बावजूद उसके बाहर उड़ रहा है एंड इवन नहीं हो रहे, कुछ कुछ बड़े पीसेस बाहर गिर रहे हैं और कुछ बराबर स्लाइस हो रहा है, कुछ सिर्फ ग्रेट हो रहा है. तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पतली पतली सेम विड्थ की ट्रांसपेरेंसी स्लाइसेस निकलेंगी, भाई वैसा तो नहीं हो रहा है. सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये टूल बहुत अच्छा है. नॉर्मली जैसे हम कभी भी बादाम का पाउडर बनाते हैं तो उसमें से ऑयल छूटता है, जैसे बादाम का ऑयल हमने सुना है मसाज में काफ़ी सारी जगह पे, तो ये एकदम से ड्राई है. मतलब कभी सूजी का हलवा बनाया, ऊपर से डेकोरेशन के लिए कुछ डालना है, किसी में भी जहाँ पे भी आपको बादाम डालना है उसमें बहुत अच्छे से यूज हो सकती है. मुझे एक एक्सपेरिमेंट इसमें लग रहा है कि करना चाहिए, इसमें अदरक मिर्च और पीनट्स उसका भी होता है. I knew she's gonna try this because her अदरक मिर्ची this thing is but एक बार फिर उसमें उसकी स्मेल बैठ के ना ड्राई फ्रूट्स में नहीं मजा आएगा. वो सही बात है, वो सही बात है. चलो अगले एपिसोड में वी विल ट्राई वन ऑफ हर थिंग, बट दिस इज गुड फॉर पुटिंग ऑन मिठाई एंड ऑल. एंड बेकिंग के लिए भी अगर बारीक पीसेस डालने हैं, आलमंड केक या कुछ बनाना है तो उसमें डाल सकते हैं. इवन नो But does it work? Yes, for 86 rupees, तो उसको double thumbs up मिलेगा भाई हम दोनों से, because this has worked very well. 100%. I just tasted this. इसका नाम almond bark बना सकता है. इसमें melted chocolate डाल के इसको ऐसा even out करके, ये इधर मिलता है ना बॉम्बे स्वीट शॉप में वो जो butterscotch bark वगैरह मिलती है. I'm so close to actually making this. Let's make it. नीचे का मत दिखाना वरना मम्मी कटवा देगी. मे आई हैव अ स्पून प्लीज. इसमें दूध डालना भूल गई मैं. घर पे छोटा सा रिस्क होने के बावजूद हम नहीं यूज कर रहे हैं. अब इसको रखते हैं फ्रीजर में. आज ना मुझे लंच नहीं दिया गया है तो अभी हम बनाएंगे पास्ता और मोमोज, टू ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू ईट. बट ऑफकोर्स वो सारे सिंपल तरीके से नहीं बनाएंगे. वील पुट द टूल्स टू द टेस्ट. सो बताइए पहले क्या ट्राई करना चाहिए, मतलब पहले क्या बनाना चाहिए दोनों में से. पास्ता, पास्ता बनाए पहले. चलो देन लेट्स पुट द आटा. वही आटा अपन मोमोज के लिए भी यूज कर लेंगे. व्हाइल मॉम इज प्रेपिंग फॉर द आटा, मैं मोमो की फिलिंग पे काम करना शुरू कर देती हूँ थोड़ा सा. अब दो शेफ्स है किचन में. सो फॉर द फिलिंग आई वॉन्टेड टू बी चटपटा, बट आई लव लाइक अनियंस एंड पेपर्स, सो आई ऑर्डर दीज बिग चिलीज. लेकिन यू नो द वर्स्ट नाइट मेयर फॉर दैट इज रिमूविंग द कोर ऑफ दैट, उसका जो सीड्स होता है ना बीच का. सो वी हैव समथिंग फॉर दैट. वी हैव आवर पेपर्स एंड ये है हमारा टूल. ये देख के तो मिर्ची की भजी खाने का मन करता है, बट लेट्स टेक ऑफ द हेड फर्स्ट. और ये रहा अपना कोर रिमूवर. मुझे तो डर लग रहा है इससे. दिस इज इंटरेस्टिंग, इट वर्क 100%. Yes, it definitely worked. But I think it's a better tool, शायद होगा. But as of now, yes. But ये पेपर से ज़्यादा मैं कैप्सिकम डेली में ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो इसको कैप्सिकम पे ट्राई करके देखते हैं. Will this work on that? शक सही निकला. मैंने रॉन्ग किया था फर्स्ट टू टाइम्स में. मैंने सोचा कि जैसे मैंने कैप्सिकम का काट के निकाला ना, तो what you call it, the stem, उसके साथ ही कोर तो निकल गया. सो आई वाज लाइक वेट, ये डबल मेहनत वाला काम नहीं होगा. सो इस पे जो ये zigzag धार है, दिस zigzag एज, दैट्स एग्जैक्टली फॉर दैट कि आप कोर भी इसी से, टिप भी इसी से निकाल लो. सो अच्छा है, बट आई गिव इट अ 5 out of 10 बिकॉज ये थोड़ा मेसी है, ये उतना क्लीन नहीं है. मतलब अगर आपको भरवा शिमला मिर्च बनाना है, येस यू विल एन्जॉय दैट विद दिस. बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत अच्छे से सब निकल जाए अंदर से, दिस इज इन दैट एक्यूरेट. सो इट वर्क्स,
but not the best. So 5/10. पीछे water has started boiling for our pasta. So basically, इसको Amazon पे list किया गया as noodle maker, but I think fettuccine बन सकता है इससे because these are not exactly the thinnest of noodles. तो देखते हैं कि restaurant quality like एकदम even pasta देता है कि नहीं. फन फैक्ट इसके इमेजेस में और स्क्रोल करके यू कैन सी कि इससे गार्लिक भी चॉप हो सकता है. इनफैक्ट एनी फ्रेंच बीन और चिली कैन बी चॉप्ड इवनली विद दिस. आई थिंक इवन कैप्सिकम की स्ट्रिप्स हो सकती है. लेट्स ट्राई. ये रहा हमारा डी सीडेड कैप्सिकम. लेट्स सी कि इसकी स्ट्रिप्स इससे अच्छे से बनेंगी कि नहीं. नहीं हो रहा मुझसे. I mean, ideally this should have worked, right? अच्छा मैं इसको आधा पकड़ती हूँ. चलो यहाँ से. नहीं. Okay, sorry. Capsicums do not work with this. मम्मा ने आटा लगा दिया. It's rested now. Here's how she made it. ये गेहूँ का आटा है. अच्छा. And now you're putting थोड़ा मैदा उसमें. बस थोड़ी हल्की से और नीडिंग के बाद दिस डो इज गोइंग टू रेस्ट. दिस इज वेरी हैवी और आपको चाहिए होगा हमारा डो. ये रहा. इट्स रेस्टिंग इन हियर. ओ इफ एनी प्रॉपर शेफ्स आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ कोर्स हमें ये सब नॉलेज नहीं. हम दिस बस होम जुगाड़ कर रहे हैं. आई नो पास्ता एंड मोमो का डो बहुत अलग होता है. But we're just rolling with it, quite literally. We're gonna take our dough and break it into two. एक मोमो के लिए, एक पास्ता के लिए. Let's go. एक साइड से उसके ऐसे ब्लेड्स हैं, which are not that sharp, but I made a mistake. मुझे ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए था. ओके नॉट बैड. बट ये उठेंगी कैसे? ओ नहीं कटा ये बराबर. उठ भी तो प्रेस तो तुमने किया है. नहीं हुआ दैट मींस हुआ तो मेरे. व्हाई ये अभी उसमें ऑयल डालो. वी हैव अ वाटर बॉइलिंग इधर. लिटिल बिट ऑफ ऑयल. मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया ऐसे ऐसे. एंड भी मम्मी के केयरफुली डिटैच स्ट्रिप्स आई गोना गो इन. एच का एच आपको नहीं दिख रहा है? अरे हाँ बीच में ही है. लुक एट दैट. ए अंदर जाके चिपका चिपकी नहीं. एक दूसरे से दूर रहिए. थोड़ा और ऑयल डाल रहे हैं हम बिकॉज हमें डर लग रहा है एक दूसरे से चिपक ना जाए. आप पकते रहिए, हम तब तक आपका सॉस बनाते हैं. आई एम हैविंग फन. इसकी सुगंध बहुत अच्छी आ रही है. इट एक्चुअली गिविंग ऑफ द अरोमा ऑफ रियल एक्चुअल पास्ता. अभी क्या बोले? अभी ना मोमोज का बना लेते हैं बिकॉज उनको भी थोड़ा एयर फ्राई होने में टाइम लगेगा. आई एम थिंकिंग आज क्रिस्पी मोमोज बनाते हैं. सो लेट्स डू दैट. एंड सॉस भी कुक करना है. मम्मी ये मल्टीटास्किंग भी होता है. मेरे साथ बताओ क्या करना है. बिकॉज व्हेन आई सॉ दिस आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी दिस इज स्क्रीमिंग माय नेम. एक्चुअली मैंने देखी थी ये रील जिसमें बटन वाला था बट वो था 2.5 या 3,000 का एंड बटन निकालते से मैनुअल वाला था फॉर 450. तो आई वाज लाइक तो कर लेंगे थोड़ा एक पुश कर लेंगे यार फिर सेविंग 2,000 रुपीज. सो द ओनली प्रॉब्लम इज कि बहुत ही धूल मिट्टी वाला आया है. लाइक थोड़ी पैकेजिंग और बेटर हो सकती थी. ये वर्क ना बहुत सिंपली करता है. यहाँ पे आटा डालना है फिलिंग डालनी है एंड देन यू जस्ट पुश इट तो मोमो बन के नीचे गिरेगा ऐसा हमें दिखाया गया है इन द पिक्चर. सो दिस बेटर वर्क इज नाउ आई एम इन द मूड टू ईट मोमोज एंड नथिंग कैन चेंज दैट. थोड़ा धोखे लाती हूँ मैं. वेट मम्मा रोटी बना रही है मतलब शी इज जस्ट स्प्रेडिंग द डो आउट ताकि हम उसको कट करके देन वी कैन प्लेस इन दिस. ओह या एंड वी डिड मेक अ फिलिंग. हमने किस किस की फिलिंग बनाई? कैरेट कैबेज कैप्सिकम एंड चिली. जी बिग चिलीज एंड वी सॉल्टेड इट विद सम शेजवान सॉस ताकि बनेंगे हमारे शेजवान मोमोज. बस इसको 2 मिनट्स कुक करके फ्लेम से निकाल देंगे एंड देन वी सेट इट टू कूल. सो दिस हैज बीन ग्रीस्ड. अभी ना पहले हम एक ट्राई कर रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बराबर. अब हम रख रहे हैं इसमें रोटी
फिलिंग जाएंगी इसमें, शेजवान वेज फिलिंग, ताला नहीं डालते हैं, किसी भी फिलिंग नहीं आएगी क्या इसमें? ओहो, नर्वसनेस मतलब, ओके कर दू काफी अच्छा बना ये तो। ले रही एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और मम्मी ने मोमो का बना दिया गोगरा क्योंकि वो थोड़ा खुल रहा था। ये ओके लेट्स मेक मोर, बट वुड यू से दिस इज इजियर देन डूइंग इट खुद से? या वी कैन से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाथ से बनाएंगे तो शायद ज्यादा स्टफिंग जा सकता है। उधर बन रहे और कवरिंग्स, इधर ये दो लग चुके हैं, लेंगे थोड़ी सी फिलिंग, दिस गोज इन, हल्की सी और बस। ओहो इनमें तो एक्स्ट्रा आटा बचा है। नाउ दीज मम्मीज गो इन द एयर फ्रायर, परफेक्ट। एंड 10 मिनट 150 के बाद 5 मिनट 200 पे कर देंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। मोमोज जा चुके हैं इन द एयर फ्रायर एंड नाउ फॉर द लास्ट एंड फाइनल स्टेप व्हिच इज मेकिंग द ग्रेवी फॉर आवर पास्ता और नूडल्स जो हमने अभी जस्ट बॉइल करे। सो फॉर दैट we have this octopus like looking thing only with 3 legs. ये है self stirrer जो अपने आप gravies को cook करते रहेगा, तो अब आपको gas के पास खड़े रहकर ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए if this works properly. तो इसमें इस छोटू सी चीज को 4 AA batteries चाहिए and घर पे सारे AC remote, सारे TV remote में लग रहे AAA batteries. तो ये अभी just फटाफट मैंने स्विगी से मंगा ली इंस्टामार्ट से। एक्चुअली तो ये व्हाइट और ये ग्रे पार्ट भी अलग अलग आए थे, बट जस्ट टू चेक ये बराबर है कि नहीं आई अटैच देम एंड नाउ आई कांट डिटैच देम। इसके 3 स्पीड सेटिंग्स ना कभी डरा देंगे इंसान को। लेट्स गेट रेडी टू मेक व्हाइट सॉस। तो हम ना बेसिकली थोड़ा मैदा या आटा को घी में सॉटे करते हैं, फिर मिल्क डालते हैं, देन वी कीप स्टरिंग इट। सो विदाउट चीज यू हैव व्हाइट सॉस पास्ता। लेट मी शो द रेसिपी टू यू। सो अभी बना रहे हम लोग सॉस, उसके लिए 2 चम्मच डालेंगे घी, जितना घी है उतना ही मैदा, मतलब 2 चम्मच मैदा। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सो नॉर्मली मेजरमेंट ये रहता है कि 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मैदा और 1 कप दूध, पर हमें सॉस की थिकनेस कितनी चाहिए उसके ऊपर दूध को हम लोग थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आएगा हमारा हथियार हैंडी। आई रियली डोंट नो, मम्मी कह रही कि चारों तरफ उड़ना नहीं चाहिए। ए भाई बंद कर, बंद कर, स्टॉप कर, क्यों उड़ रहे हो? स्टॉप कर, बढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसके 3 स्पीड सेटिंग्स ना कभी डरा देंगे इंसान को। बता तो सही कि 3 स्पीड है, मतलब इसमें ये है कि आपको क्वांटिटी अच्छी खासी लेनी है, ये डूबना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है यार, अगर एक दिन खुद के लिए खाना बनाएंगे तो यूज ही कर सकते। फिर भी उड़े जा रहा है ये तो, मम्मी का गैस। आई थिंक इट विल वर्क इन समथिंग लाइक दिस, क्योंकि फिर वो बाहर उड़ने की स्पेस नहीं बचेगी उसके पास। देखते हैं बड़े बनता भी है कि नहीं इससे व्हाइट सॉस। बट दिस इज फाइन, ऐसे ही मिक्स करना होता है क्या व्हाइट सॉस? मतलब मैंने कब बनाया है? नहीं है। नहीं पता, मुझे लग रहा है कि बंद करके थोड़ा फास्ट के पहले इसको ये करना पड़ेगा। कौन सा? मुझे गैस को फास्ट करना है। मतलब गैस फास्ट? जल्दी नहीं करना। नहीं ये सिलिकॉन है, आई मीन जलना तो नहीं चाहिए। सी साइड में ना ऑलरेडी चिपक रहा है। सो वन थिंग इज की दिस इज नॉट कुकिंग थिंग्स फ्रॉम साइड, बट दिस इज अ साइन की कुछ तो हो रहा है अंदर। बीच में से देखो नीचे चिपक भी रहा था। ओ मम्मी तो अप्रूव नहीं करेगी इसको, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज अ पास और अ फेल। और क्वांटिटी सही था दूध का, मतलब फेल फेल फेल। लेट अस स्ट्रेन द पास्ता।
थोड़ा पास्ता स्टॉक बचाया है. नाउ लेट्स पुट इन द नूडल्स और द पास्ता एंड लिटिल बिट ऑफ पास्ता स्टॉक. इसको हल्के से ही मिक्स करना है ताकि दीज डोंट ब्रेक. Because I love pink sauce pasta, let's turn this pink. I have Norka pizza pasta sauce with me right here. On camera, ये नहीं बहुत light लग रहा है, but in person actually this is properly pink. Pink से ज़्यादा तो orange है actually. But this is cooked, so let's shut off the gas and take this in the plate. फाइनली अब हम करेंगे लंच. शाम के 5 बजे मोमोज हो चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है. ओ हो हो साइड से थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गया है. बस थोड़ी चटनी लेके लेट्स सिट टू टेस्ट. ये हमारा 3-course meal हो गया है रेडी. लेट्स बिगिन विद द स्टार्टर व्हिच इज फ्राइड मोमोज, फ्राइड शेजवान मोमोज. काफी अच्छे बना, ये तो मैं बना सकती हूँ. सेम नहीं इसलिए वो मोमो वाली फील कम, कचौरी वाली फील थोड़ी ज्यादा है, बट दे टेस्टिंग रियली रियली नाइस. बेस्ट पार्ट अबाउट वो मोमो मेकर वॉज कि हर एक मोमो का साइज सेम निकला और मैनुअली जो भी बनाता ना और फिर की फोल्डिंग है उसमें और टाइम नहीं लग रहा. इट इज वेरी क्विक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पास्ता. ऑफकोर्स इसको ड्राई बना सकते हैं बट आई लव ग्रेवी विच इज वाई वी मेड इट वेरी रिच. फ्रेश पास्ता is a very rare dish. बहुत कम restaurants रखते हैं fresh pasta, तो अगर ये work कर गया मज़ा आ जाएगा. It's really really good. And give this a 9/10 only because the noodles इतने पतले नहीं बने. You know what, अगर हम रोटी को और पतला बनाते and then if you would slide it तो ये और पतले बन सकते थे, but the tool works. It's amazing. And lastly we have our dessert जो मुझे नहीं लगता कि successful हुआ है because मैंने उसमें दूध डाल दिया so it's not setting properly. Why is it tasting like chocolate modak? But almond की जो shavings है ना वो बहुत अच्छी taste कर रही है यार. Ice cream के ऊपर तो mind blowing लगेगा ये. Like just pour some hot chocolate sauce and these almonds on vanilla ice cream and you have a really good dessert. But this video was so much fun क्योंकि 6 में से 4 products were amazing, एक okay था and सिर्फ एक fail था. So we want to discover 4 amazing products. If you want a part 2 for this video, comment a red heart down below and I will see you in a brand new video very very soon. If you enjoyed watching this video then do give it a thumbs up and subscribe to our channel. If you did not enjoy watching this video, bindaas the thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.